है अलबरूनी का। तो अलबरूनी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था तहकीके हिंद। इसमें भी प्राचीन काल के भारत का वर्णन मिलता है और ये हमारी मदद कर सकता है। और उसके अलावा बिलादुरी, अलमसूदी, ये सब जो थे मुस्लिम राइटर थे, और इन लोगों ने भी अपनी अपनी पुस्तकों के जरिए भारतवर्ष का वर्णन किया है और हमारे रास्ते को सुगम बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्राचीन काल के भारत को जानने के लिए हमें हमारे पास क्या क्या साधन उपलब्ध हैं। इन्हीं उपलब्ध साधनों के आधार पर हम अपने इतिहास की रूपरेखा निश्चित करते हैं। साधनों की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत क्या चीज की है, तो हम इनका सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करें, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें, और सबसे बड़ी बात कि धैर्यपूर्वक इनका अध्ययन करें। अगर इस रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में हमें बहुत बड़ी मदद मिल सकती है, और इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ें और अपने आंसर को अच्छे तरीके से तैयार करें। मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि इन सारे पॉइंटों को आप बढ़िया से अपनी किताब में, अपने आंसर बुक में लिखें। और एक बात मैं और बता देती हूँ कि इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव में भी जरूर ही प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसमें आप जहाँ तक संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जोड़ने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण बातों को जब आप लिखें तो उसे अंडरलाइन कर दें या फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, इससे आपका आंसर परफेक्ट होगा। तो आज बस इतना ही। अगली बार जब मैं आपके पास आऊँगी तो दूसरे प्रश्न पर मैं विचार करूँगी। धन्यवाद।